सो फाइनली राधे के हैंगओवर से बाहर निकला हूँ और बहुत ही मुश्किल से अपने आप को इकट्ठा कर पाया हूँ कि कुछ और देख पाऊँ। जी हाँ, ईद वाले दिन में मैंने देखा है द लास्ट आवर और उसी के साथ साथ जो है फॉरेंसिक। ये दोनों कंटेंट मुझे कैसा लगा है और ये दोनों कंटेंट के बारे में मैं एक ही वीडियो में बताने वाला हूँ, बहुत ही शॉर्ट सा वीडियो होने वाला है। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल का बटन दबा लो, वीडियो का एंड तक जरूर देखना। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं द लास्ट आवर। Amazon Prime पे रिलीज हुई ये कंटेंट जो है एक तरह की वेब सीरीज है और इसमें जो है आपको 8 एपिसोड लगभग आपको देखने को मिलने वाले हैं। इस कंटेंट की जो लेंथ है वो काफी लंबी है। देखो, जब मैंने इसका ट्रेलर देखा था तो एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा हाई था और उस टाइम मैं सोच रहा था कि बॉस ये एक बहुत ही मास्टर ब्लास्टर सा वेब सीरीज होगा जिसको देखने में मजा आ जाएगा। लेकिन ट्रस्ट में जब मैं देखना शुरू किया तो बहुत मुश्किल से आगे तक बढ़ पाया हूँ और एंड तक जा पाया हूँ। और जिसको ओवरऑल देखने के बाद ऐसा लगा कि जो एक्सपेक्टेशन थी कहानी को लेकर के, कैरेक्टर को लेकर, खास करके संजय कपूर को लेकर के, तो वो भाई एक्सपेक्टेशन पूरी तरह से खराब हो गई। वो पूरा कहीं पे भी खरा उतर ही नहीं पाया। डायरेक्शन की अगर बात की जाए तो यार डायरेक्शन बहुत ही ज्यादा स्लो रखा गया है और एक कैरेक्टर को समझाने के लिए बहुत ज्यादा डीप भी गए, पर डीप जाने के बावजूद भी उस कैरेक्टर को बहुत अच्छे से डिफाइन नहीं कर पाए। वहीं पे अगर संजय कपूर की परफॉर्मेंस की बात की जाए तो संजय कपूर का परफॉर्मेंस जैसे हमेशा होता है वैसा ही है। वो हमेशा एक नेचुरल एक्टिंग करते हैं जिसको देख करके लगता तो नहीं है कि वो एक्टिंग करते हैं। पे इनके अलावा जो एक और लीड कैरेक्टर है जो कि एक तरह का तांत्रिक है, मतलब तांत्रिक विद्या है उसके पास में कि कोई भी अगर गुजर जाता है तो उससे ठीक एक घंटे पहले क्या हुआ था उस चीज के बारे में वो जान सकता है और कहीं ना कहीं कुछ करेक्शन भी हो सकता है, कुछ ऐसा इसमें दर्शाने की कोशिश की गई है। पर ये दोनों ही चीज बहुत बुरी तरह से पिट जाती है मेरे नजरों में। आपके लिए बहुत अमेजिंग हो सकता है लेकिन जहां तक मेरी मानो, एक पुलिस इंस्पेक्टर जो है बार बार तांत्रिक का ही सहारा ले रहा है और उसका एक तरह से मजाक भी उड़ाया जा रहा है। जो विद्या उसके पास हासिल और जो सुपर पावर उसके पास में है उस सुपर पावर का जो है एक तरह का मजाक उड़ाना ही हुआ मेरे नजरों में। इस कंटेंट की स्टोरी की बात की जाए तो बहुत ही ज्यादा ग्रिपेबल हो सकता था लेकिन उतना ग्रिप नहीं बना पाती है और आपको बार बार लगेगा कि यार नहीं भी देखेंगे तो चलेगा और उतना इंटरेस्ट बना नहीं रहता। तो मेरे हिसाब से ओवरऑल ये कंटेंट ठीक ठाक सा है। अगर आपके पास में बहुत ज्यादा टाइम है कि भाई कुछ भी नहीं करने को है तो एक टाइम पास सा कुछ देख लूं तो आप द लास्ट आवर देख सकते हो। Amazon Prime पे ये अवेलेबल है, आप जाकर के देख सकते हैं। बात करते हैं फॉरेंसिक। फॉरेंसिक एक साउथ का कॉन्टेंट है और ये जो है हिंदी में भी अवेलेबल है, यानी हिंदी डब में आप देख सकते हैं। इसमें सबसे बेस्ट पार्ट अगर मुझे कुछ लगा है तो इसकी स्टोरी और साथ ही साथ इसके जिस तरह से एक एक करके जो है इसका सस्पेंस खुलता है और जिस तरह का थ्रिल आपको दिया जाता है वो एकदम से एक्साइटिंग रहता है। आपको हर कुछ देर के बाद में ये फील होगा कि अब आगे क्या होने वाला है और असल में असली कल्प्रिट कौन है। शुरुआत होती है कुछ बच्चों के मर्डर से और अगर उससे भी पहले आप ध्यान देंगे तो फिल्म के स्टार्ट होने के कुछ 5 मिनट में ही एक ऐसा बच्चा जो कि कुछ चीजों को लेकर के बर्नी में भर के रखता है उसको रख के एक तरह का कलेक्शन बनाता है और देखता है। अब वो सभी चीजें जो है मृत होती है, यानी मर चुकी होती है। एंड में जो वो चीज डालता है वो होता है मुर्गी का एक सर और वो देखने में बहुत ही ज्यादा क्रीपी लग सकता है आपको और आप जो है शुरू से उस बच्चे के पीछे ही चलना चाहोगे कि यही वो बच्चा है जो सब कुछ कर रहा है। लेकिन आपको जो एंड में ट्विस्ट मिलेगा वो आपके दिमाग को हिला देने के लिए बहुत ही ज्यादा काफी है और इसमें कुछ भी मैं बताने वाला नहीं हूं क्योंकि आपको जो है स्पॉइलर मिल जाएगा। तो सीधी सी बात अगर मैं करूं तो यहां पे आपको देखने को मिलेंगी एक लेडी ऑफिसर और उसके साथ में जो है एक फॉरेंसिक टीम का बंदा जो कि आगे चल के इस केस को लीड करने वाला है। दोनों का रिलेशन रहता है भाभी और देवर का, यानी फॉरेंसिक का जो हेड रहता है उसके भाई के साथ में उस लेडी ऑफिसर की शादी होती है और कुछ अनबन के कारण जो है दोनों का डिवोर्स हो जाता है। उसके बाद से जो है दोनों एक दूसरे को देखना भी नहीं चाहते बट अनफॉर्चुनेटली इस केस को सॉल्व करने के लिए दोनों को एक साथ एक ही केस में काम करना पड़ता है। अब इन दोनों का रिलेशन जो है आगे चल के किस तरह से इस केस में जुड़ता है और किस तरह से रिलेटेबल हो जाता है और क्यों एक दूसरे को काम करना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। अब एंड तक इन दोनों के रिश्ते सही होने वाले हैं या नहीं, या फिर इनके भाई के साथ में इनकी भाभी का पैचअप होने वाला है या नहीं, और ये जो सभी मर्डर हो रहे हैं बच्चों के और खास करके लड़कियों की, उसके पीछे में किसका हाथ है। स्टार्टिंग में दिखाया जाता है एक बच्चे का हाथ है, अब वो बच्चा किस हद तक उसमें शामिल है, उसके साथ जो है क्या ऐसा हुआ था जिसकी वजह से वो बच्चा जो है ये सारे मर्डर किया जा रहा है और उसको किस तरह से कौन क्या कर रहा है, किस तरह से ड्राइव कर रहा है, यही सारी चीज जो है आपको इस कंटेंट में देखने को
मिलने वाला है। अगर मुझसे पूछो कि भाई ये कंटेंट कैसा है, तो मेरे हिसाब से ये एकदम पैसा वसूल, टाइम आपका वसूल हो जाएगा। आप जो 2 घंटा इस कंटेंट को देखने के लिए देने वाले हो, मेरे हिसाब से फ्रॉम द फर्स्ट फ्रेम टू लास्ट फ्रेम एकदम एंगेजिंग है। और ये कहानी जो है आपको एक तरह से पकड़ के रखेगी एंड तक देखने के लिए कि एग्जैक्टली किसने क्यों और किस तरह से इन सारी चीजों को किया है, और ये देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। फॉरेंसिक का जो गेम है इसके अंदर में, एग्जैक्टली इसका नाम फॉरेंसिक क्यों रखा गया, क्योंकि ये पूरा केस जो है और खास करके ज्यादातर भाग जो है वो फॉरेंसिक द्वारा ही कंप्लीट होता है, यानी फॉरेंसिक द्वारा ही इस केस को क्रैक किया जाता है, इसीलिए इस फिल्म का नाम फॉरेंसिक दिया गया है। इसको आपको देखने में काफी ज्यादा मजा आने वाला है और बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव हो सकता है। मेरी मानो तो इन दोनों में से आपको सबसे पहले किसको देखना चाहिए, अगर मुझसे पूछा जाए तो भाई मैं बोलूंगा सबसे पहले जाकर के देखो फॉरेंसिक, 2 घंटे में निपट जाओगे और 2 घंटे के अंदर में आपको एक धमाकेदार सा कॉन्टेंट देखने को मिलने वाला है। सो ओवरऑल मेरा जो भी ओपिनियन एंड रिएक्शन था इस कॉन्टेंट को लेकर के, वो मैंने आपको बताया है। आपने अगर ये दोनों कॉन्टेंट देख लिया और मेरे बातों से अगर आप सहमत है तो प्लीज लाइक का बटन दबाना, नहीं हो तो डिसलाइक का बटन दबाना, और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना, आपके अंदर में क्या विचार है मेरी बातों को लेकर के वो भी जरूर बताना। वीडियो को एंड तक देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल का बटन दबा लो। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा बाय, साइन आउट एंड हास्ता ला विस्ता।